हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे पपीते की सब्जी। मैंने यहाँ पपीते को पतला पतला काट के धो के अच्छे से रख लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैं लूंगी लहसुन की कलियाँ, जीरा, दो हरी मिर्च, मीठा नीम पत्ती और एक टमाटर। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। देखिए तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। लहसुन को हम हल्का ब्राउन होते तक तलेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद मैं इसमें एक चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा होते ही मैं इसमें मीठी पत्ती डाल दूंगी। अब मैं इसमें पपीता डाल के इसे ढक दूंगी, 1 मिनट तक ढके रहने दूंगी। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसे कम आंच में कम से कम 10 मिनट पकने देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरीके से तल चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के हम 5 मिनट टमाटर को गलने देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है और ये अच्छे से भुना गया है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लौकी की तरह कम आंच में बहुत देर तक अच्छे से तलना पड़ता है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चाहे तो आप डालें या फिर ना डालें, क्योंकि मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है। अब इसे मैं सबको साथ में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। हम मसाला डाल के बस 5 मिनट ही इसको मिक्स होने देंगे अच्छे से। उसके बाद हमारी सब्जी बन के पूरी तरह तैयार हो जाएगी और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे दाल चावल या फिर पराठे के साथ भी खाया जा सकता। प्यारी दिखेंगे। हम इसे 5 मिनट ढककर और पका लेते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए, भून जाए। हमारी सब्जी तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती। बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा पकने में हल्का सा टाइम लगता है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, हो गया और कुछ भी नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपने एक अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।